सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सेल के बैनर तले मंगलवार को बायोडायवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट, ड्रग डिस्कवरी एवं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन जुड़े दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने कहा कि भारतवर्ष में विशेषकर औषधि वनस्पतियों में जैव विविधता बहुतायत में मिलती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेके लाल ने कहा कि भारत में औषधि वनस्पतियां बहुतायत में उपलब्ध हैं और स्थानीय स्तर पर हम उनका प्रयोग पारंपरिक औषधि के रूप में करते हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी प्राचीन पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देते हुए विविधता से भरे हुए औषधि पौधों की उपयोगिता को विश्व के सामने प्रस्तुत करें। इस अवसर पर डॉक्टर जेके पांडे, डॉक्टर शशांक कुमार सिंह सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शोध छात्र, छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेके लाल ने कहा, with every bit of habitat that disappears under the globe or concrete, the preservation of biodiversity is perhaps the single most important building block for achieving the 17 sustainable development goals set by United Nations and natural habitats free for people to enjoy and assess both locally and worldwide, sustain the quality and longevity of human life. Of comparable importance assessed to biodiversity as a limit for these systems and processes. It is honorable guest upon Professor Dinesh Yadav sir, Gorakhpur University, Gorakhpur. The environmental aspects that are also related with it. So it has very wide applications and I am sure as an expert I can see that the first session we have Professor Dinesh Yadav who will be talking about his research, and although my area is not directly related, but I have some interest in environmental science, so I think there will be thank you sir, I have blessings. So we would also like on behalf of the award which you received from Balachibo and Vice Chancellor sir. हम लोग ने दो दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन अभी अभी किया है और जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि इसका उद्देश्य है, जिस ऑब्जेक्टिव पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, बायोडायवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट्स, ड्रग डिस्कवरी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब बायोडायवर्सिटी आप समझते हैं कि हमारे चारों ओर दुनिया भर की वेजिटेशन से उनकी अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके आजकल जिस तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए रोग निकल रहे हैं, लोग उसका कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ की ये प्रथा रही है, सिस्टम रहा है भारत में, खासतौर से एशियन कंट्रीज़ में, कि लोग लोकल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा टिकाऊ समझते हैं, चाहे वो तुलसी के पेड़, नीम के पेड़ से लेकर के हर छोटी छोटी चीज़ों में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आजकल जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कॉस्टली भी हैं, और इसका ख़ास सीधा असर पड़ता है सोशल स्ट्रक्चर पे और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हमारे यहाँ की इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं है। तो इस रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री में जो एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, UGC की गाइडलाइंस में भी, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे संसाधन हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, रिसोर्स मटेरियल्स हैं, जिनसे हम सस्टेनेबल ड्रग्स प्राप्त कर सकते हैं, जो एक टिकाऊ व्यवस्था एक हो सकती है हमारे यहाँ के लोगों के लिए दी जा सकती है। तो हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह आह्वान किया है कि हमारे जो नए स्कॉलर्स हैं, नए रिसर्चर्स हैं, जो हमारे नए प्रोफेसर्स हैं, इन लोग इस दिशा में भी काम करें ताकि आने वाली जनरेशन्स को इस तरह की कोई भी पेंडेमिक की, महामारी की स्थिति अगर आ जाए तो उससे निपटने में सहायता मिल सके।